क्लास 11 चैप्टर नंबर 9 अनुक्रम एवं श्रेणी में एक्सरसाइज 9.9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? एक गुणोत्तर श्रेणी में तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 512 है, बीच की संख्या ज्ञात कीजिए। माना गुणोत्तर श्रेणी में तीन क्रमागत संख्याएं, a बटे r, a r है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका गुणनफल दिया हुआ है 512। a अपॉन r, a r हमने मल्टीप्लाई कर दी और गुणनफल दिया है 512। r से r कैंसिल हो गया, a की 3 इज इक्वल टू 512 को लिखेंगे 8 की 3, तो a इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। अतः बीच की संख्या, हमारी बीच की संख्या क्या थी? बीच की संख्या थी a, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया? 8। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। इसके ये निकालने की इसमें कि बीच में जो नंबर है वो कितना होगा, वो आ गया हमारा 8, a बराबर 8। गुणोत्तर श्रेणी में चार संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 85 है तथा गुणनफल 4096 है। हमने माना गुणोत्तर श्रेणी में चार संख्याएं, क्योंकि हमने देख लिया हमारे क्वेश्चन में गुणनफल दिया हुआ है, तो हम ये वाले नंबर मानेंगे a अपॉन r क्यूब, a बटे r, ar, ar का क्यूब, इनका गुणनफल दिया हुआ है 4096। हमने इनकी चारों की गुणा कर दी, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, a a a और a यानी a की पावर 4, a की पावर 4 बराबर 4096 आ गया। a की पावर 4 और 4096 होता है 8 की पावर 4, तो ऊपर पावर पावर को मतलब आधारों की तुलना कर दी तो a बराबर आ गया 8। तो दूसरी कंडीशन दे रखी कि चारों संख्याओं का टोटल कितना होना चाहिए? 85। तो हमने चारों संख्याएं जोड़ के 85 लिख दिया। a कॉमन ले लिया, 1/r^3 + r^r + r^3 = 85। a की वैल्यू रख दी 8, इसका ले लिया हमने एलसीएम r की 3, तो यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया r स्क्वायर, यहाँ पे r की 3 से गुणा होगी इसमें r की 4 आ जाएगा, r की 3 से गुणा होगी r की 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे 8 जो है उस साइड में डिवाइड चला जाएगा। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके 8 की गुणा कर दी सारे में, ये आगे गुणा कर गए, ये वाली टर्म बन गई। अब ये हमारा जो हमारी जो ये समीकरण बनी है ये 6 पावर की बनी है, तो इसमें शेषफल प्रमेय की सहायता से हम r की वैल्यू रखेंगे, तो r की वैल्यू हमने रख के देखी इसमें 2, तो 2 रख के इसको सेटिस्फाई कर दी, इसका मतलब r की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि 2 रखने पर ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, तो समीकरण आपकी r बराबर 2 ने संतुष्ट कर दी, समीकरण नंबर 1 को संतुष्ट करता है r बराबर 2। तो यदि a बराबर 8 और r बराबर 2 हो तो ये संख्या इसमें मान रख दी, संख्या आ गई 1, 4, 16, 64। दैट्स ऑल। अपने मोबाइल को 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखकर पढ़िए। थैंक यू।